हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस एपिसोड में इंटरमीडिएट ड्राइंग एग्जाम का सॉलिड ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। आज का यह क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में एक्सप्लेन होगा। आपको ड्राइंग एग्जाम गाइड चैनल को सब्सक्राइब करना है, पास वाले बेल आइकन को ऑल क्लिक करना है। अगर वीडियो आपके समझ में आता है और आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है। सॉलिड ज्योमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए राउंडर, जिसे कंपास भी बोलते हैं, स्केल और पेंसिल, इन ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता है। आज हम इंग्लिश, हिंदी और मराठी लैंग्वेज में क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, उसका अच्छी तरह से ऑब्जर्वेशन करना है और उसे समझ लेना है। इंग्लिश क्वेश्चन। Draw the plan and elevation of a cone with diameter of its base 4 cm and height 3 cm. हिंदी प्रश्न। जिसके आधार का व्यास 4 cm तथा ऊंचाई 3 cm है, ऐसे शंकु का अनुविक्षेप प्लान और उदविक्षेप इलिवेशन निकालिए। मराठी प्रश्न। पायाचा व्यास 4 cm असून उंची 3 cm आहे, अशा शंकूचा अनुविक्षेप प्लॅन व उदविक्षेप इलेवेशन काढा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 हमने इंग्लिश, हिंदी और मराठी लैंग्वेज में देखा है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हमें यहाँ पर एक सर्कल निकालना है और सर्कल निकालने के लिए यहाँ पर मैं एक रफ लाइन ले रहा हूँ इस प्रकार से, और उसके बीच में हमें एक सेंटर पॉइंट लेना है, उसे नाम देना है O। और यहाँ पर डायमीटर कितना दिया है, तो 4 सेंटीमीटर डायमीटर 4 सेंटीमीटर दिया है, तो रेडियस हमें लेना है 2 सेंटीमीटर, यानी कि डायमीटर के हाफ रेडियस होता है, इसलिए रेडियस मैंने 2 सेंटीमीटर लिया है। इस प्रकार से सर्कल को मैंने ड्रॉ किया है। उसके बाद इस सर्कल के बाजू से हमें एक स्क्वायर निकालना है, इसलिए मैं इस प्रकार का स्क्वायर निकालने के लिए यूज कर रहा हूँ, ये टेक्निक का यूज कर रहा हूँ। कंपास में रेडियस मैंने 2 सेंटीमीटर रखा है, क्योंकि 2 सेंटीमीटर का हमने सर्कल निकाला है। अब इसे जॉइंट करना है, इसे जॉइंट करना है। अब हमें इसे ज्वाइंट करना है, इसे ज्वाइंट करना है। इस प्रकार से हमने इस सर्कल के बाजू से एक स्क्वायर निकाला है, और ये जो स्क्वायर का जो परपेंडिकुलर है, इसे ऊपर तक खींचना है। इस प्रकार से इसे नाम देना है ए, बी, सी और डी। उसके बाद कंपास में डिस्टेंस लेना है, राउंडर में डिस्टेंस लेना है 1 सेंटीमीटर, और डी पॉइंट से इस परपेंडिकुलर पर एक आर्क बनाना है और सी पॉइंट से दूसरा आर्क बनाना है। दोनों आर्क बनने के बाद इसके पॉइंट हमें क्या करना है, जोड़ने हैं, और डार्क करने के बाद, फिक्स करने के बाद जोड़ने हैं। और ये जो लाइन है वो राइट साइड को थोड़ा ज़्यादा यहाँ तक लाना है, इस प्रकार से। अब ये जो परपेंडिकुलर है, ये पॉइंट से निकला हुआ, वो
ऊपर तक गया है और ये जो अभी हमने लाइन यहाँ पर ड्रॉ किया है इसे नाम देना है यल। इस यल लाइन को इस परपेंडिकुलर ने यहाँ पर क्रॉस किया है, यहाँ पर नाम देना है ई और यहाँ पर नाम देना है एफ। अब हमें राउंडर लेना है, राउंडर का स्टील वाला पॉइंट एफ पर रखना है, राउंडर में कंपास में अंतर लेना है, डिस्टेंस लेना है सी इतना और यहाँ पर एक आर्क बनाना है इस प्रकार से। अब अंतर लेना है, डिस्टेंस लेना है बी इतना, ये डिस्टेंस हमें एक्यूरेट लेना है और दूसरा आर्क बनाना है इस प्रकार से। दोनों आर्क एल लाइन को यहाँ पर क्रॉस हुए हैं, यहाँ पर नाम देना है पी और यहाँ पर नाम देना है क्यू। ये पॉइंट हमें फिक्स करना है। उसके बाद ये जो सेंटर वाला पॉइंट है इसे नाम देना है यम और यम पर कंपास का स्टील वाला पॉइंट रख के यम इतना डिस्टेंस लेके हमें पहले हमने जैसे आर्क बनाए उसी प्रकार से आर्क लेने हैं। यहां पर नाम देना है पॉइंट को यस। उसके बाद ये जो डिस्टेंस है एम और ओ इसमें का जो डिस्टेंस है वो कंपास में लेना है और एफ पर रख के लेफ्ट साइड को एक आर्क बनाना है। आर्क बनने से उस आर्क ने एल को क्रॉस किया है, वहाँ पर पॉइंट लेना है और उसे नाम देना है जी। जी और ओ को जोड़ना है और उसे ऊपर तक लेके जाना है इस प्रकार से। अब यस पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर निकालना है इसलिए मैंने यहाँ पर एक हाफ सर्कल बनाया। यहाँ पर इस हाफ सर्कल ने इस पहले वाले पॉइंट पर और दूसरे वाले पॉइंट पर यल लाइन को क्रॉस किया है। पहले पॉइंट पर मैंने कंपास का स्टील वाला पॉइंट रखकर यस से थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस कंपास में अप्रोक्सीमेटली लिया है और ऊपर वाले हिस्से पर एक आर्क बनाया है। सेकंड वाले पॉइंट से उसी डिस्टेंस से उस आर्क पर दूसरा आर्क बनाया है। दोनों आर्क एक दूसरे को क्रॉस हुए वहाँ पर पॉइंट लेना है, उस पॉइंट को और यस पॉइंट को जोड़ना है, ये लाइन ऊपर तक खींचना है इस प्रकार से। अब देखो ये जो शंकु है कोन है इसका हमें हाइट दिया है 3 सेंटीमीटर, तो कंपास में राउंडर में मैंने 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस लिया है। जी पर मैंने कंपास का स्टील वाला पॉइंट रखकर ये जो परपेंडिकुलर है उस पर आर्क बनाया, उसी तरह से यस पर आर्क बनाया, उस आर्क ने परपेंडिकुलर को क्रॉस किया है वहाँ पर पॉइंट लेना है। इस पॉइंट को नाम दिया आर और इस पॉइंट को नाम दिया मैंने एच। अब यहाँ पर एक ट्रायंगल हमें निकालना है। ट्रायंगल निकालने के लिए ये जो लाइन है सामने वाले पॉइंट हमें जोड़ने हैं इस प्रकार से। मैंने ये ट्रायंगल निकाला है उसी प्रकार से इसको भी थोड़ा डार्क बनाना है। सर्कल मैंने डार्क बनाया वो हमारा प्लान है और दोनों ट्रायंगल हमने डार्क बनाए वो हमारे एलिवेशन है। अब हमें यहाँ पर लिखना है प्लान फ्रॉम अबव, ऊपर से कैसे दिखेगा, टॉप व्यू से कैसे दिखेगा, तो ऐसे दिखेगा। यहां पर लिखना है एलिवेशन फ्रंट व्यू, सामने से कैसे दिखेगा तो ऐसे दिखेगा एलिवेशन। बच्चों ये लिखना बहुत जरूरी है, ये साइड एंगल से कैसे दिखेगा तो ऐसे दिखेगा। और यहां पर हमें लिखना है कोन
ये लिखना जरूरी है। और यहाँ पर इसका एक छोटा फिगर निकालना है शंकु का, इस प्रकार से। ये भी निकालना जरूरी है, नहीं निकाला तो आपके ग्रेड कम हो जाएगी, ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो इसका हाइट है वो हमें मिला था 3 सेंटीमीटर, तो इसका हाइट भी यहाँ पे लिखेंगे हम, जैसे आर्क बनाएंगे यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। और ये जो डायमीटर दिया था वो 4 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया है, बहुत ही सिंपल और आसान सा ये क्वेश्चन है। बच्चों, सिलेबस में मेरे बुक में टोटल सॉलिड ज्योमेट्री के 6 क्वेश्चन हैं, उसमें से एग्जाम को हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता ही जाता है। तो आपको क्या करना है, इस 6 क्वेश्चन की ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, उसे परफेक्ट बनाना है। क्यों बनाना है, क्योंकि एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं आएगी और आपके मार्क पक्के होंगे। बच्चों, आज का ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलेंगे इसके 3rd क्वेश्चन वाले एपिसोड में। थैंक यू।